वालेकुम सलाम। मैंने अबू की मेडिसिन ले ली और फ्रूट्स भी ले ली। जय इस पैकेज की किस पे अदा कर दी? कैसे किया? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। उधार लिए। उधार किससे? हम्माद साहब से। उससे क्यों लिया? मम्मी मजबूरी थी, कर्ज लिए, मैं लौटा दूंगी। बेटा मैं जानती हूँ कि हम मजबूर हैं, लेकिन तुम्हारा और उसका ताल्लुक हमें किसी आजमाइश में ना डाल दे। मम्मी आप ये यकीन रखें कि आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। बेटा ये तो तुम कह रही हो ना, लेकिन दुनिया इसको किसी और नजर से देखती है। याद नहीं अनम की दफा क्या हुआ था? मम्मी मेरे आपकी सोच में बहुत फर्क है। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कर्ज ही डाल दूंगी। मेरी खुशी खराब करके मिल गया अम्मा को सुकून, और आप अम्मा की वजह से मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा गलती हो, गलती तुम्हारी भी तो थी ना। तुम अम्मा से ऐसे बदतमीजी से बात करती हो, ना ही सब कुछ होता। मुझे गुस्सा आ गया था ना। और मुझे भी। मैंने आज तक अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम मेरे सामने अम्मा से कैसे बात कर रही थी? जानती हो ना, माँ बाप के सामने उफ तक नहीं करती। I'm sorry. प्लीज आइंदा के बाद अम्मा से इस लहजे में बात ना कर। आप ना अपनी अम्मा को भी समझा दो, हमारी छोटी छोटी खुशियां बर्बाद मत कर दिया कर। पता है मैं गाड़ी के लिए कितना एक्साइटेड थी, एक एक दिन मैं गिन रही थी गाड़ी के लिए। अच्छा जो हुआ सो हुआ, बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो उठो गाड़ी देखो। हाँ गाड़ी में मुझे सैर भी करनी थी। जाहिर ऐसे गुस्सा ठंडा होगा वरना फिर मूड खराब। चले चलो। जानती हूँ तुम आज क्यों रो रही हो। अभी दुआ करो अल्लाह ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बचाई। खुदार लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता।